नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, गर्मियों का मौसम आते ही कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड, ठंडे की डिमांड, आइसक्रीम की डिमांड, डेयरी आइटम्स की डिमांड, लस्सी हुआ, मठा हुआ, पनीर हुआ, छाछ हुआ, ये सब चीज़ें एकदम से काफ़ी मात्रा में दिखना चालू हो जाती हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं। लोग खाना कम खाते हैं और पीने वाले पदार्थ, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, जिनसे उनको राहत मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कोल्ड ड्रिंक के बारे में। हम लोग कोल्ड ड्रिंक जो गर्मियों में बेचते हैं, कहाँ से ख़रीदते हैं, कितने ही ख़रीदते हैं और इस बिजनेस में कौन कौन से ब्रांड आते हैं, कैसे आते हैं, तो इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के बारे में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो दो कंपनियां हैं, पहली है मेरे हाथ में पेप्सी और सेकंड है मेरे हाथ में कोक, इन दोनों कंपनियों का ही कोल्ड ड्रिंक मार्केट में, इंडियन कोल्ड ड्रिंक मार्केट में दबदबा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्हीं का ही दबदबा है, तो इंडियन मार्केट में भी इन्हीं का दबदबा है। ये पेप्सिको वाले का ब्रांड है पेप्सी और ये कोक वाले का ब्रांड है कोका कोला। अब जो भी ब्रांड आते हैं वो इन दोनों कंपनियों के ही आते हैं और ये आपस में एक दूसरे की काफ़ी बड़ी प्रतिद्वंद्वी है, मतलब आपस में बहुत कॉम्पिटिशन चलता है, कॉम्पिटिटर है एक दूसरे की, और दोनों का ही मार्केट काफ़ी बड़ा है और दोनों की सेल जो है काफ़ी बड़ी सेल है। अब ये कोल्ड ड्रिंक हम दुकानदारों को कितनी पड़ती हैं और इन कंपनियों के कौन कौन से ब्रांड हम लोग दुकानदार अपनी दुकान पर अपने ग्राहकों को बेचा करते हैं, बताऊंगा इस सबको वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो बोतल है मेरे हाथ में ये है सेवन अप और ये जो मेरे हाथ में बोतल देख रहे हैं ये है माउंटेन ड्यू और ये जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है मिरिंडा और ये जो बोतल मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है स्लाइस। दोस्तों, ये मैंगो वाली है और ये है ऑरेंज फ्लेवर की और ये है सोडा फ्लेवर माउंटेन ड्यू और ये है सेवन अप। ये चारों ही ब्रांड जो हैं ये पेप्सिको के हैं और पेप्सी को कंपनी ही इन्हें बनाती है और वरुण बेवरेज द्वारा ये मार्केटिंग की जाती हैं और जो भी C&F होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमें अपनी दुकान पर आकर ये जो कोल्ड ड्रिंक है हमें दे जाते हैं। अब ये कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो हैं दोस्तों, MRP इसकी 40 रुपये है और हम दुकानदारों को कभी 35 रुपये, कभी 34 रुपये, कभी अच्छी इसकी आ जाती है तो 32 रुपये तक ये हम लोगों को पड़ जाती है। और बात करूँ मैं अब कोक की, अब कोक में भी काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, जैसे ये कोक कंपनी है, अब कोक कंपनी वाले का ही ब्रांड है फेमस माजा जो आम वाला आता है। ये थम्सअप भी कोक वाले का ही ब्रांड है और ये कोक वाला की कोका कोला और ये है स्प्राइट, ये सभी ब्रांड किसके हैं, कोक वाले के। अब कोक वाले का माजा भी आता है स्लाइस की टक्कर में, यानी कि पेप्सी वालों की जो स्लाइस आती है आम वाली, उसी टक्कर में माजा आता है कोक वालों का, और पेप्सी वाले की जो मिरिंडा आती है उसी की टक्कर में आती है फेंटा कोक वालों की। तो दोस्तों, आपस में इनके जो ब्रांड हैं सेम हैं, फ्लेवर भी सेम है, लेकिन ब्रांडिंग अलग अलग होती है, नाम अलग अलग होता है और कंपनियां दोनों अलग अलग हैं, एक है पेप्सिको, दूसरी है कोका कोला इंडिया। तो हमने पेप्सी के भी ब्रांड देखे, कोक के भी ब्रांड देखे, अब बताऊंगा मैं आपको इसमें मार्जिन कितना होता है। दोस्तों, कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमें माल अपनी दुकान पर पहुँचा के देते हैं, पर उनके रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं। कहाँ से? बड़े बड़े मॉल से, यानी कि रिलायंस से, डीमार्ट से इनके रेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपनी वालों के जो एजेंट होते हैं वो ऑर्डर लेने आते हैं, सेकेंड डे माल की डिलीवरी होती है और उनके साथ एक शर्त भी होती है कि उनसे हमें, जैसे पेप्सी लेंगे तो उसकी 24 पीस की पेटी लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये 34 या 35 रुपये की पड़ती है, 40 रुपये बिक्री वाली। और यही माल अगर हम डीमार्ट से, रिलायंस से या फिर बिग बाज़ार से लाएंगे, यानी कि मॉडर्न ट्रेड से ख़रीदते हैं, तो हमें ये 28 रुपये की बोतल पड़ी मेरे को। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये मार्केट से भी सस्ता माल रिलायंस या फिर डीमार्ट में कैसे मिल जाता है। दोस्तों, ये लोग कंपनियों से ख़रीदते हैं, ट्रकों से, और इनका जो टाइप होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा रहता है और इनकी जो सेल्स होती काफ़ी वॉल्यूम में रहती है। तो दोस्तों, ये लोग बल्क में ख़रीदते हैं पेप्सिको इंडिया से या फिर कोका कोला से, और इनका जो माल आता है वो ट्रकों से आता है, तो ये लोग क्या स्कीम छोड़ते हैं, और जो स्कीम देते हैं वो अपने ग्राहकों के लिए देते हैं और इन ग्राहकों के बीच में ही हम दुकानदार अपनी आवश्यकता के अनुसार जितना माल हम बेच पाते हैं, और तो हम लोग डीमार्ट से, रिलायंस से, बिग बाज़ार से ये लोग इनसे ये ख़रीद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे पूरी पेटी लेनी पड़ेगी, जितने पीस हम बेच पाएँ, जो ब्रांड ज़्यादा बिकता है हम लोग वही ब्रांड ख़रीदते हैं, तो वहाँ से हमें सस्ता पड़ जाता है। जैसे कि अब कंपनी से लेते हैं, हम कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें 34 रुपये की बोतल देता और वो भी पूरा पेटी लेनी पड़ती, और यही माल हम 28 रुपये की रिलायंस से लेके आ रहे हैं।
और कोक के जो ब्रांड हैं यानी फेंटा हुआ, स्प्राइट हुआ, कोक हुआ, वो हम 32 रुपये के लेके आ रहे हैं। दोस्तों इन दोनों कोल्ड ड्रिंक का जो वेट है यानी कि दोनों की जो मात्रा है वो सेम है, इसमें भी 750 ml वाला आया था और इसमें भी 750 ml वाला था और दोनों की बिक्री भी सेम है जो हम 40 रुपये की ग्राहकों को देते हैं। अब इससे बड़ी जो कोल्ड ड्रिंक आती है वो आती है 2.25 लीटर की, यानी कि ये वाली, ये 2.25 लीटर का जो कोल्ड ड्रिंक है ये मैंने ख़रीदा रिलायंस से मात्र 60 रुपये में, जिसकी बिक्री मूल्य है 90 रुपये, वजन है 2.25 लीटर। तो दोस्तों अगर मैं कंपनी से ख़रीदता तो मुझे ये रेट नहीं पसाता है, पर रिलायंस वाले क्या करते हैं, बल्क में ख़रीदते हैं तो वॉल्यूम में जो इनकी सेल है, बल्क में परचेसिंग होती है, तो इतना अच्छा रेट दे देते हैं अपने ग्राहकों को। तो हम उन ग्राहकों के बीच में तो कुछ दुकानदार भी अपने लिए माल ख़रीद लेता है, यानी कि 90 वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल पेप्सी हुई, मिरिंडा हुई, 7 अप हुई, वो हम लोगों को 60 रुपये की पड़ती है और 90 रुपये की हम दुकान पर लाकर ग्राहकों को, अपने ग्राहक जो हमारे हैं उनको हम 90 रुपये की बेचा करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आम वाली कोल्ड ड्रिंक के बारे में। दोस्तों इसका नाम है स्लाइस, जो कि 600 ml है, ये भी मुझे 32 रुपये की पड़ी जो मैंने डीमार्ट से परचेस की थी। और ये जो बोतल देख रहे हैं स्लाइस की, ये है 2.25 लीटर की, जिसकी MRP है 95 रुपये, जो मुझे पड़ी 58 रुपीज़ की, जो मैंने परचेस की डीमार्ट से। अगर मैं कंपनी से ख़रीदता तो मुझे ये रेट कतई ही नहीं पड़ता, लेकिन ये मॉडर्न ट्रेड वाले जो हैं बल्क में ख़रीदते हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग भी दुकान पर थोड़ा बहुत माल उनसे ख़रीद कर अपने ग्राहकों को बेच दिया करते हैं, तो हमें भी कुछ फ़ायदा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह माजा भी आती है कोक वाले की, और ये जो स्लाइस है वो है पेप्सी वाले की। तो दोनों ही कंपनी आपस में ख़तरनाक प्रतिद्वंद्वी हैं और दोनों की ही सेल काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया इन दोनों की कंपनियों के बारे में, दोनों ही ब्रांड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ आने वाले समय में आपको देखते रहेंगे मेरे चैनल पे। मिलता हूँ कुछ नया लेके नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।